दोस्तों आज हम लोग जानेंगे जानवरों से हमें कौन कौन सी दवाइयां प्राप्त होती है। अब तक वैज्ञानिक लोग 80 लाख से भी अधिक किस्म के जानवरों का अध्ययन कर चुके हैं। इन जानवरों से हमें मांस, अंडे, दूध, चमड़ा आदि अनेकों उपयोगी पदार्थ तो प्राप्त होते ही है, इनके साथ साथ बहुत सी दवाइयां भी प्राप्त होती है जो अनेकों रोगों के इलाज के काम आती है। क्या तुम जानते हो जानवरों से प्राप्त होने वाली औषधियां कौन सी है? तो चलो जानते हैं। अधिकतर हार्मोन औषधियां प्राणी जंतुओं से ही मिलती है। एपिनेफ्रिन नाम की औषधि जो दिल के रोगों में काम आती है, बिल्ली और सुअर के एंड्रल ग्रंथियों से बनाई जाती है। एंड्रिनियल भी कहते हैं, उसे एंड्रिनियल भी कहते हैं। इस दवाई का आविष्कार सन 1904 में हुआ। इसका प्रयोग दमे के मरीजों के लिए भी किया जाता है। थायरॉक्सिन नाम की औषधि बिल्ली के थायराइड ग्रंथि से निकाली जाती है, जिसे गले के थायराइड ग्रंथि के रोगों के इलाज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मधुमेह नामक रोग के इलाज के लिए बिल्ली और सुअर के पैंक्रियास ग्रंथियों से इंसुलिन नामक औषधि तैयार की जाती है। बहुत से जानवरों से सेक्स हार्मोन प्राप्त करके यानी पुरुष और स्त्री के सेक्स संबंधी रोगों के इलाज में काम लाया जाता है। बहुत से रोगों के टीके भी जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो रोग का टीका बंदर के गुर्दे से पोलियो के वायरस लेकर और उन्हें मारकर बनाया जाता है। तो इन औषधियों के अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञान में जानवर के बहुत से उपयोग है। किसी भी नई दवा का परीक्षण सबसे पहले जानवरों पर ही किया जाता है। जब रोग नियंत्रण जानवर पर सफल हो जाता है, तभी वह दवा मनुष्य को दिए जाने की सलाह दी जाती है। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को शरीर के विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान भी जंतुओं की चीरफाड़ द्वारा ही करवाया जाता है। अनेकों वायरस बैक्टीरिया की रोकथाम में जीवित प्राणी हमें बहुत सा ज्ञान देते हैं। रेबीज, चेचक, मलेरिया, टाइफाइड, टिपिथाइड आदि रोगों का नियंत्रण जंतु विज्ञान के द्वारा ही सफल हो पाता है। दवाई हुई अतिरिक्त रेशम, लाख, सरेस, शहद, मोती जैसे पदार्थ भी हमें जीवित प्राणियों से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए जंतुओं से हमें केवल दवाई ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि मानव शरीर का ज्ञान भी इन्हीं से प्राप्त होता है। इस तरह जानवर से हमें कौन कौन सी दवाइयाँ प्राप्त होती ये हमने जाना। इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।